जनपद के अलग अलग स्थानों से चुराई गई थी बाइकें। एसपी ने खुलासा कर सफलता के लिए पुलिस टीम को दिया 25,000 का इनाम। जी हां, आपको बता दें, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जनपद पुलिस लगातार पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। कभी कभी गैस और चेकिंग अभियान के दौरान भी साथी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब तेज गति से भागती हुई मोटरसाइकिल को रोककर उनसे पूछताछ की गई। तब मोटरसाइकिल सवार हड़बड़ा गए। पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए दोनों ही लोगों को हिरासत में ले लिया और जब उनका राज खुला तब पुलिस भौचक्की रह गई। पुलिस के जांच में स्पष्ट हुआ कि जिस बाइक पर वह सवार थे वह जिला चिकित्सालय से चुराई गई थी। पुलिस ने जब पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की तब उन्होंने एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस को बताया कि उन्होंने जनपद के अलग अलग स्थानों से लगभग एक दर्जन बाइकों को चुराया है और इस काम में उनके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने जनपद के अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद की तथा गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस के इस बड़े खुलासे को जनपद पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बाइक चोरी के उक्त सभी अभियुक्त समीप वर्ती मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो जनपद में आकर बाइक चोरी करने का काम कर रहे थे। इस कांड का खुलासा करती हुई पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग ने बताया कि पुलिस ने एक बड़ी रिकवरी की है जिसमें 11 बाइकों के साथ 6 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो ललितपुर UP में आकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की सफलता के लिए उन्हें 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। पकड़ी गई सभी अभियुक्तों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। थाना कोतवाली पुलिस, जिसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा गणेश कुरील और गोपाल साहब का, हमारे स्वाट प्रभारी का, कि एक अच्छी टीम ने एक अच्छा गुडवर्क किया जिसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए। इनसे पूछताछ करने पे हमारे जो चोरियां हो रही थी बाइक्स की, उसमें 4 बाइक्स जो हमारे यहाँ की थी वो बरामद हुई। इसके अलावा अन्य मिला के सब संख्या जो है 11 मोटरसाइकिलें हमने रिकवर करी। इसमें मुख्य अभियुक्त के साथ 5 लोग अन्य इनके गैंग में शामिल हैं और ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश के हैं, डिफरेंट ज़िलों के हैं, अशोकनगर के हैं, गुना के हैं, शिवपुरी के हैं। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ आके चोरी करते थे और चोरी करके बाइक्स जो है अपना मध्य प्रदेश में ले जाते थे और वहाँ पर इसको सेल करते थे। इनकी गिरफ्तारी भी करने वाली टीम को 25,000 रुपये के इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।